प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। साल से अहमदनगर जिले के दक्षिण भाग में मैं विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मेरी पत्नी और मैं अमेरिका में सर्जरी और मेडिसिन का अभ्यास करके यहाँ पर हम आए, और जब यहाँ हम आए तो हमारा ये ख्याल था कि यहाँ बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे और लोगों के ऑपरेशंस वगैरह अच्छी तरह से बना के अच्छी मेडिकल सर्विस दे दें। लेकिन यहाँ आने पर हमें ऐसा मालूम पड़ा कि इन लोगों की स्वास्थ्य के बारे में मुख्य समस्या ये है कि वो है गरीबी, और उन्हें खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और इसी कारण से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। यहाँ कुपोषण है, दस्त है, और बहुत से ऐसी बीमारियाँ हैं कि जिसका मुख्य कारण ये दारिद्र्य है। यहाँ आने के बाद फिर हमने हमारा जो पहला इरादा था बड़ा हॉस्पिटल बनाने का वो छोड़ दिया, और हमने यहाँ पर अच्छा अनाज कैसा होगा, यहाँ लोगों को पानी की कैसी सुविधा हो, और जो लोगों में बहुत से सुपरस्टिशंस थे और उनकी जो स्वास्थ्य की कल्पना बराबर नहीं थी, उनको कैसे हम सुधार सके। इसीलिए फिर हमने हमारा जो पहला इरादा था कि यहाँ बड़ा हॉस्पिटल बनाए वो हमने छोड़ दिया, और लोगों में जाकर उनके खेती की कैसी सुधार हो, उनको अच्छा पानी कैसा मिले, उन्हें अच्छी शिक्षा कैसी मिले, इसमें हमने ज़्यादा ख्याल डाला। और उसके ही साथ बीमार न होने के लिए जो प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं उसमें हमने ज़्यादा लक्ष्य दिया, और रुग्णों के लिए जो इमरजेंसीज होती है उसके लिए हमने छोटा हॉस्पिटल यहाँ बनाया है। सरल पाल बर सर
प्राइमरी हेल्थ केयर इट मीन्स ट्रेनिंग द लोकल पीपल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड स्पेशली गिविंग देम एजुकेशन एंड डीलिंग विद द रियल कॉज ऑफ बैड हेल्थ दैट मीन्स इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन इम्प्रूविंग सेफ वाटर सैनिटेशन एंड टीचिंग पीपल राइट एटीट्यूड टू हेल्थ ये जो रातंदळापण है ना ते देवीचं कोप मुळं नाही ते ना रतौंधी नामक रोग किसी देवी का प्रकोप नहीं है ये हमारी ही भूलों से होता है आणि जसं तुम्ही शेती करतात आता शेतात पाणी लागती आणखी काय लागती खत लागती बरच गोष्टी लागते तरच चांगला पीक येत असते तसंच जिस तरह अच्छी फसल के लिए हम खेत में पानी खाद अच्छा बीज डालते हैं उसी तरह शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत है जीवन सत्व म्हणून एक असते आणि ते पिवळा फळ हिरव भाजीपाला असे गोष्टी हे जास्त असते हरी सब्जी में पालक गाजर वगैरह प्रमुख है हाँ बरोबर है आता मी समजावून सांगते की हे खोटे है की गरोदरपणात हे देऊ नका ते देऊ नका हे बरोबर नाही गरोदरपणात सगळं मिळालं पाहिजे आता हे पहा कोणतं कोणतं हे असते गरोदर स्त्रियों को हरी सब्जी अवश्य खानी चाहिए हे काय है गाजर है आता गरोदरपणात हे गाजर देणं फार चांगलं आहे आणि गाजर स्वस्त है आता हे तर काय दावलेत जीवदाय फुलाचं चित्र दावले तर लहान बाळाचं चित्र आपल्याला जर तोंडाने सांगितलं ओटवट केलं तर काही लक्षात बसत नाही मग आपल्याला एक चित्ररूपी प्रकल्प गाव की किसी समजदार महिला को आम बीमारियों के बारे में शिक्षित करता है और वह महिला गाव की प्राथमिक चिकित्सक का काम करती है बाळाला येणारे संकट मग 5 वर्षाच्या आतील बाळाला गौर कान्या परसकड संडा असे आजार येतातच आणि पुलाला जर आपण जर पक्का करायचा असला तर त्याला इंजिनियर पाहिजे वाळू सिमेंट तसेच बाळाच्या आई डॉक्टर पाहिजे फार लवकर लवकर तुम्ही गरोदर होतात पाळणं लांबवायला पाहिजे श्रीमती अरोले समय समय पर कई गांवों में जाकर वहां की औरतों को उनकी व्यक्तिगत रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी देती हैं। तसच बाळ मध्ये अंतर असलं तर तुमचे लेकर चांगला गुटगुटीत राहील मग त्यासाठी यहाँ श्रीमती अरोले इन महिलाओं को परिवार नियोजन के बारे में बता रही हैं। मग ते पिल पाकेट नेहमी वापरला तर जोपर्यंत गोळी चालू राहील तोपर्यंत गर्भ राहणार नाही हम जब शुरू में आ गए तो जब हम गांव के लोगों को बोलने लगे क्या आपका पर्सनल हाइजीन अच्छा होना आप हाथ धो या ऐसा ऐसा अनाज खाओ बच्चों को टिक्का लगा के लो तो जब ये बात हम करते थे तो उन लोगों को ऐसा ख्याल हुआ कि हमें कुछ ज्ञान नहीं है हम खाली बात ही कर रहे हैं तो इसके लिए हमने प्रथम यहाँ पर अच्छा ऑपरेशन थिएटर लगाया कि जो उनके कोई ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो यहाँ ऑपरेशन बनाए या उनकी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ थे उनके लिए यहाँ हॉस्पिटल बनाए जिससे उनका हमारे पर विश्वास बढ़ गया फिर जब उनके ऑपरेशन अच्छे होने लगे तो हमने उनको बताया कि हम तो ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन आपका स्वास्थ्य ऑपरेशन या गोलियाँ या इंजेक्शन पर अवलंबित नहीं है आपका स्वास्थ्य आपको कितना ज्ञान है आपको कितना कौशल है आप खुद के लिए कितना कर सकते इस पर अवलंबित है इसलिए हम तुम्हें पढ़ाएंगे गांव में पानी फैलता है उसके लिए सोक पिट बनाना कि जिससे गांव में कोई पानी नहीं रहेगा फिर वहां कोई मच्छर नहीं होंगे कुछ मक्खियां नहीं होगी बीमारियां फैलेंगी नहीं इस तरह से लोगों को हमने ध्यान दिया है और सब लोग इकट्ठा होकर अनाज के बारे में जो बच्चों को कुपोषण होता था तो सब ने थोड़ा थोड़ा चंदा बना के वहाँ कम्युनिटी किचन बना लिया उसके बाद में गांव में हमेशा लोग एक ही तरह की फसल लेते थे समझो बस ज्वार का ही अनाज लेते थे
फिर तरकारी नहीं बनाते थे या दाल के पदार्थ नहीं लाते थे, उनको हमने सिखाया कि आपने खेत में ज्वार के सिवाय दूसरे भी अनाज बनाना, यहाँ दाल होना है, यहाँ हरी तरकारी होना है, और इस तरह से उनका जो आहार है उसमें हमने बदल करने को उनको सिखाया। सब लोग अभी अच्छा पानी पीने लगे। अच्छा खाने को नहीं मिलता है और अपनी खेती इतनी अच्छी नहीं है, फसल अच्छी नहीं आती है, तो कभी खेती में सुधार हो जाए तो बच्चों को खाने को मिलेगा, माताओं को खाने को अच्छा मिलेगा, तो बहुत सी बीमारियां कम हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आप सब लोग इकट्ठे आना ज़रूरी है, और आप लोगों में बहुत ही जात पात है, आप जात पात से एक से अलग है, ये अच्छा नहीं है। तो जब आप सब लोग जात पात छोड़कर आप सब इकट्ठा आ जाएंगे और फार्मर्स क्लब या जो आप सब खेती करने वाले लोग आप इकट्ठे आएंगे, तो आप सब मिलकर खेती की सुधारणा करेंगे। खेती की सुधारणा करेंगे, उसके लिए पानी का जो प्रश्न है वो हम छुड़ाएंगे, और हम सब मिलके जब खेती अच्छी बनाएंगे, इकट्ठे आएंगे, इधर अच्छा अनाज मिलने को लगा, तो बहुत सी बीमारियाँ कम हो जाएगी। इसके बाद दूसरा मुख्य प्रश्न है पानी का। आप लोगों को पानी पीने के लिए अच्छा जगह नहीं है, जो कुएं पर आप पानी पीते हैं वो अच्छा नहीं है, उससे बहुत ही बीमारियां आपके गांव में हैं। तो ये पानी के लिए आपको अच्छा पानी मिलने के लिए यहाँ अच्छा कुआं बनाना पड़ेगा। हमारे गांव में साहब नारो, संडास, बुखार और ऐसी बीमारी बहुत होती थी। एक टाइम डॉक्टर साहब आ गए, हरलो डॉक्टर साहब, तो उन्होंने क्या बोले कि भाई यहाँ ये तुम्हारी सब बीमारी की जड़ वाली ये कुआ है। कुएँ को सब्सिडी लगे थे, जो भाई छोकरा छकरे आदमी सब जाके हाथ पैर धोने के, कपड़े धोने के, वो पानी सब गंदा होता। बोले डॉक्टर साहब बोले कि पानी सब गंदा है, सब ये बीमारी जड़ यही है, इसलिए ये सीढ़ी बंद करो कि कुआ का पानी नीचे जाएगा, तो फिर डोल से पानी ऊपर खींचना, और ये भी करे कि पंप लगाए, वो पानी हमें पीने लग गए। जब से हमारे वो नारू, संडास,
जो कुछ बीमारी सब चले गए। सोकपीट एक अपने तरह की पानी निकास विधि है। इस विधि से पानी गलियों में बाहर नहीं बहने पाता बल्कि जमीन के भीतर ही सूखता जाता है। जामखेड़ के आसपास के सभी गांवों के लोगों ने यह विधि अपनाई है। इस विधि से गलियां साफ सुथरी रहती हैं और बीमारियां नहीं होने पाती। मैं तमिलनाडु से आती हूं और जब मैं पहला महाराष्ट्र को आई लैंग्वेज का बहुत तकलीफ थी और मैं देहात में काम करना चाहती थी, इसलिए मैं सोची कि डॉक्टर से मराठी भाषा सीखने अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं औरतों के साथ काम करने वाली थी, इसलिए मैं देहात में गई और अंदर झोपड़पट्टी में जाकर औरतों के साथ ज़मीन में बैठकर उनका भाषा मैं सीखी। और इसलिए मेरे को देहात के जो अशिक्षित महिला है उनके साथ मैं अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ। और देहात में काम करने से ऐसे मालूम हुआ कि औरतों को बहुत अंधश्रद्धा है, दवा गोली और जो शिक्षण हम देते थे वो सुन नहीं रहे थे, सुनती दे वर नॉट लिसनिंग टू अस बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशंस। सो वी वेंट एंड आई सैट विथ द वीमेन एंड एक्सप्लेन टू देम स्मॉल थिंग्स। दे वुड नॉट ब्रिंग चिल्ड्रन विथ मीजल्स टू अस फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज दे थॉट दैट इट वॉज अ विजिट फ्रॉम गॉडेस। सो आई पिक्ड अप वन वुमन, I brought her to the hospital and I sat with her and talked to her about her children and what happened to her children, especially with regard to sickness. This woman had 3 children and one child was having diarrhea. So I talked to her about how diarrhea was caused and what could be done. And she went back and she followed my instructions. The next week she came and she told me that her child was all right and she was very happy. So I took that particular example and told it to other women. And I took that woman and made her tell other women about her experience. And so little by little, taking very small examples of successful treatments, we were able to get rid of many of the superstitions. Then a time came when we had gathered about 8 women. All the 8 women were illiterate women. They were mothers and they had children, and so they had life experiences about their own children and families. Every week these women came to me. I sat down, I asked them what their difficulties were, and
I tried to solve their difficulties. '71 में डॉक्टर आरले साहब हमारे गांव को आए और उन्होंने फार्मर्स क्लब का फाउंडेशन किया। फिर प्रोजेक्ट जो सोशल वर्कर मिस्टर लोंडे एंड मिस्टर जादव यहां हर महीने को 26 तारीख को आते थे और फार्मर्स क्लब की मीटिंग लेते थे। और फार्मर्स क्लब ने ऐसा तय किया हर मेंबर ने हर महीने के लिए 5 रुपया देना चाहिए और हर महीने के लिए 200 रुपये हमारे पास आते थे। 5-6 महीने के बाद हमारे पास कुछ पैसा आ गया और डॉक्टर साहब ने उसमें कुछ मिलावट दे दी और हमने क्या चीज़ें खरीद कर ली जो खेती के लिए ज़रूरत थी वही प्लाउ स्प्रे पंप अनाज बनाने का मशीन। और पहले गांव में थे ये चीज़ें लेकिन कम सेट थे और जो बड़े किसान हैं ज़्यादा किराए लेकर गरीब किसान को देते थे। लेकिन जब ये फार्मर्स क्लब ने चीज़ें खरीद की खुद की कम किराए में ये ज़्यादा सेट गांव के किसान को मिल रहे और इसी से फार्मर्स क्लब का अट्रैक्शन गांव में बढ़ गया और सब गांव फार्मर्स क्लब में शामिल हो गया और इससे गांव का प्रोडक्शन बढ़ गया। हम पहले हथभट्टी के दारू निकाल के धंधा करते थे, पीने वाले भी आते थे और हम भी पीते थे। पीने वाले के साथ कभी कभी झगड़ा करने का, हमको कम ज़्यादा हुआ तो हम भी घर में झगड़े करने के बहुत कुटाने बढ़ते थे। वाचा गया अरुण स्कीम आने के बाद यह तरुण मंडल स्थापन हुआ। तरुण मंडल स्थापन हुआ होने के बाद तरुण मंडल ने हमको समझ के बोले कि ये बंद करो। फिर हमने उनका सुने, वाचा गया अरुण साहब ने हमको हमारे खेत में बावड़ी गिरा के दे। अभी वो बावड़ी में आना खेती में पानी भेजा के नहीं अनाज तैयार करते, ऐसा करके ने अपने अभी संसार अच्छे चालू है हमारा। ऐसे जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है, एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन है, इनकी देहांतों के जो बीमारियां हैं वो बीमारियां डायग्नोस करने के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए बहुत ही आसान सोपे जो उपाय है उसका ही हम इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से मैन पावर देहातों में जो कुछ समस्या है हेल्थ की, इसके लिए बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने यहाँ जो 5 साल के अंदर के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ फीडिंग प्रोग्राम किया। हर दिन सुबह स्वीट बनाया जाता है। हर घर में क्या हर दिन स्वीट नहीं होता है, इसलिए सब हर घर के मकान के बच्चे यहाँ आकर ये स्वीट प्रोग्राम के लिए आते थे और उनके साथ कभी उसकी दादी माँ, कभी पिताजी, कभी बड़ी बहन, और उन्होंने भी देखा भाई सब जमात के लोग बच्चे यहाँ बहुत खुशी से खाते हैं, फिर हम तो बड़े हो गए क्यों झगड़ते हैं। और इसका नतीजा क्या हो गया, ये कास्ट स्पिरिट हमारे गांव में का ख़त्म हो गया। और इसका इससे क्या हो गया, जो हमारा यहाँ का जो सरपंच है 15 साल से हरिजन है और यहाँ का पुलिस पाटिल भी हरिजन है और अस्पृश्यता निवारण का स्टेट गवर्नमेंट का हमें प्राइज़ मिला है। और डॉक्टर साहब ने इस गाँव में कुछ कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट बिल्डिंग नहीं बनवा दी या एयर कंडीशन रूम नहीं बनवा दिए, लेकिन डॉक्टर साहब के डायरेक्शन के मुताबिक हमारे जो दिल है वो इंसान के हो गए और इसका नतीजा राष्ट्रीय एकात्मता कोई देखना चाहता है तो हमारे गांव में आना चाहिए।